फिनलैंड के अंदर वो खत्म कर दिया उन्होंने, और पोलैंड और फिनलैंड इन मुल्कों में ऑलरेडी जो है बहुत अलग अलग नहीं मैं पाकिस्तान का छोटा है जो वो है अपना एजुकेशन सिस्टम में पहले से बहुत ईजी था उनका प्रोसेस उन्होंने री इंजीनियर किया कि भाई फिनलैंड के अंदर स्वीडन के अंदर पहले ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट प्रोसेस थे और टॉपिक पे आप बोल रहे थे यूडेमी का क्या। मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों को बताएं कि यूडेमी की ताकत क्या है और वो पाकिस्तान के अंदर क्या इंकलाब ला सकती है और आपकी जिंदगी में क्या इंकलाब ला सकती है। तीन स्टेप। सबसे पहले तो यूडेमी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जैसे मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से प्लेटफॉर्म है, इसमें सारा कुछ ऑनलाइन है, यानी किसी को ऑफलाइन आपने कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है। वहीं पे आप अपना कोर्स रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपलोड करेंगे यूडेमी पे। आपको इतना अच्छा इंटरफेस दिया हुआ है उन्होंने कि जो भी आपके बात जहन में आती है कि यार इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए था, ये फीचर होना चाहिए था, वो उसके अंदर मौजूद है। जो आपका जहन में लेकर आप वहाँ पे मौजूद है। अगर कोई नहीं है आप उनको रिक्वेस्ट करो कि यार ये चीज़ इसमें नहीं है, तो अगर रिक्वेस्ट उनके पास कुछ और भी टीचर्स करते होंगे लाजमी बात है तो वो भी उसमें ऐड हो जाता है, डेवलपमेंट जारी रहती है। इतना मतलब सिंपल सा है। दूसरा, इसको ज्वाइन करना फ्री है, मतलब आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। और तीसरा ये कि इसमें आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया के अंदर जितने लैंग्वेज हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसके अंदर अपना कोर्स अपलोड भी कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज का आपको कोर्स भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं उसमें, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का कोर्स आप वहाँ परचेज भी कर सकते हैं लर्निंग के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से। और टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि किसी भी लैंग्वेज का कोर्स आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार आपका कोर्स जो है वो उर्दू में है तो ये आप अपलोड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ये कि आपके पास 200 कंट्रीज से कोई जितना भी यूज़र है उन सब का एक छोटा सा परसेंटेज भी हो ना तो भी बहुत बड़ी तादाद होती है, उसकी एक्सेस आपको मिल जाती है। यानी कि आपका जो कोर्स होता है, जो कंटेंट होता है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट के सामने एक्सपोज हो जाता है। तो उसके सामने फिर उर्दू या दूसरी जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी फिर थोड़ी सी कम है। एक तो ये बात है। दूसरा, यूडेमी को अगर आप उसमें पढ़ाना चाहते हैं तो उसका अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझे बगैर जो है ये कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। वो उन्होंने जो है 4 साल उसकी टेस्टिंग में लगाए सिस्टम को पूरा सही तरीके से हाई लेवल पे लेकर आने के लिए 4 साल उन्होंने लगाए, जो कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च की हुई है ऑलरेडी, उसके उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब उन्होंने ये लगाए तो आप कैसे 1 सेकंड में उसको वो कर लेंगे? तो कम से कम आप एक महीना नहीं बल्कि 1 हफ्ता या 10 दिन इसको सीखने के लिए दें, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन को देखें। यूडेमी ने इसके लिए आसान हल क्या निकाला है कि उन्होंने अपना एक ऑफिशियल कोर्स बनाया हुआ है और फ्री है। तो आप गूगल में लिखें Udemy free official course, तो वो आपके सामने उसका लिंक आ जाएगा, वो कोर्स आप ज्वाइन करें। 4-5 घंटे का कोर्स है वो आप वॉच करें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ एक एक ऑप्शन की कैसे यूज करना है आपने, और वो टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। उसमें यहाँ तक बताया हुआ कि कोर्स आपने बनाना कैसे है, अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, हेल्प कहाँ से लेनी है, सपोर्ट कहाँ से लेनी है, सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। उसके अलावा और भी लोगों ने कोर्सेज बनाए कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करें, लेकिन उसकी उससे भी हट के वहाँ पे गाइड्स मौजूद हैं। एक एक छोटे छोटे से आप यूडेमी के सपोर्ट पे जाएंगे, इंस्ट्रक्टर सपोर्ट पे, तो एक छोटी छोटी पॉइंट को भी समझाने के लिए पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इमेजेस के साथ और वीडियो के साथ भी कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारा मेरे ख्याल से जितना भी अगर लीजी बंदा होगा ना तो 10 दिन में ये सारा कुछ सीख सकता है, और अगर थोड़ा फास्ट होगा जैसे मैंने एक हफ्ते के अंदर मैंने सारा मुझे समझ लिया गया ये प्लेटफॉर्म को कैसे सही तरीके से यूज करना। तो उसके बाद जो है आप पहला एक कोर्स बनाए टेस्टिंग का। यूडेमी की ये लिमिट है कि आप 30 मिनट से कम का कोर्स नहीं बना सकते, 30 मिनट उसकी लिमिट है। वीडियो है ही वीडियो कोर्सेज 30 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, मतलब वीडियो कंटेंट 30 मिनट का होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट का। और 30 मिनट तो मैं खुदा के बंदो 10 मिनट में बना दूंगा, 30 मिनट में, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है। लंबा आप जितना जाओ, मैंने अपना एक कोर्स 20 घंटे का बनाया है,
और मैंने एक टीचर को देखा है जिसका कोर्स सबसे पॉपुलर है, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, वो वेब डेवलपमेंट का जो है उसका रो वो उसने 40 घंटे से ऊपर का कोर्स बनाया है, 50 घंटे तक का है। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहो बनाओ, लेकिन आजकल के सिनेरियो में चूंकि लोग बिजी हो गए हैं और मुश्किल होता है इतना ज्यादा वॉच करना और ये सारा, तो आजकल के सिनेरियो में मैक्सिमम अगर आप बड़ा कोर्स बनाना चाहते हैं 10 घंटे से ऊपर ना लेकर भले उसको फिर आप पीसेस में कर लें, टुकड़ों में बनाए, एक सब्जेक्ट के 3-4 कोर्सेज बनाए तो 10 घंटे से ऊपर ना जाए, और 2-4 घंटे का जो वो हम कहते हैं ना एक अप्रोप्रिएट, कौन सा वर्ड यूज होगा, अप्रोप्रिएट टाइप होता है कि सबके लिए वो काबिल कबूल होता है, रेकमेंडेड, वो है 2-4 घंटे के दरमियान आप कोर्स बनाए किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आपके पास फिर ज्यादा उसमें कंटेंट है उसको आप पीसेस में कर दें, मुख्तलिफ कर दें, क्योंकि अब जो प्राइसिंग मॉडल है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, तो उसमें आपको ये फायदा ज्यादा होगा कि जितना ज्यादा आपको कोर्सेज होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। प्राइस मॉडल थोड़ा कम हो गया, पहले ये होता था कि आपको बड़े बड़े प्राइसेस पे, चूंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको लो प्राइस पे कोर्स सेल करना पड़ेगा, तो उसके उसका फिर ये है हल कि आपके पास जितने ज्यादा कोर्सेज हैं ज्यादा सेल्स होंगे। आप एक आपने बड़ा बना दिया 40 घंटे का, 20 घंटे का, व्हाटएवर, वो भी $12-15 का बिकेगा वहाँ, यूट्यूब पे चला रहा होता है मार्केटिंग अपने कैंपेन्स वगैरह। और अगर आपके 10 कोर्सेज है और 10 वही चल रहे हैं, वही रेट चल रहा होगा उनका, ये थोड़ा सा एक मार्केटिंग टेक्निक है इसके अंदर। तो पहला कोर्स जो है आप छोटा सा बनाए, 1 घंटे का बनाए, फ्री में दे लोगों को, ऑफर करें सबको फ्री में, यार ये फ्री में मैं कोर्स दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा, उसमें आप सीखे Udemy का ये कैसे काम करता है, रिव्यू प्रोसेस कैसे काम करता है, यूट्यूब वाले आपको सजेशन देंगे कि यार ये वीडियो है इसमें ये इशू है, इसमें साउंड का इशू है, ये क्वालिटी का इशू है, ये है, वो सारे आपने और कम करने हैं। मीनवाइल ये सारी चीज़ें आपने और कम करनी है, आपका कोर्स बन जाएगा, आपकी लर्निंग हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट टाइम आप पेड कोर्स बनाएंगे तो ये जो आपने मिस्टेक्स की है, जो कभी भी इशू है, जो मसले हैं, वो पेड वाले कोर्स में आपको नहीं आएंगे, यकीन सी बात है, क्योंकि प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे। वो कोर्स आप अच्छा बनाएंगे तो आपको फिर अच्छा वो उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आउटकम उसकी अच्छी आएगी। तो ये मेरा वो है कि, और ये जो पहला कोर्स है ये मैं मैक्सिमम आपको बताता हूँ कि 20 दिन में ये होना चाहिए था जो आपका फ्री वाला कोर्स है, और नेक्स्ट जो पेड है उसमें 1 महीना लगना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस हो गया 2 महीने, लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म को लर्निंग का, फिर फ्री कोर्स बना के उसकी लर्निंग प्रोसेस कैसे है, मार्केटिंग कैसे करना है, लोगों का बिहेवियर क्या है, ये वो स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ, ये मैं चीज़ तो मैंने कोर्स बना लिया है लेकिन ये आया वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक भी है, जो ऑलरेडी कोर्स मार्केट में मौजूद है यूडीमी के प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कर सकते हैं, अपना टॉपिक जाके जिस कीवर्ड पे आप बना रहे हैं वो कीवर्ड डाल दें, वहाँ कोर्स बात कर लीजिए लोगों ने कैसे बनाए हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरा और उनका लेवल कितना है, कितना गैप कितना है, क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज, पढ़ाने वाइज, सब कुछ उसका आपको पता चल जाएगा। तो जब आप लर्निंग करेंगे ना तो जो पेड कोर्स होगा वो अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, और जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएंगे तो जो ऑलरेडी लोग दूसरे लोग आपसे ऊपर है 2-3 महीने बाद आप उनसे ऊपर चले जाएंगे। तो फिर आप जब एक कोर्स आपने बना लिया पेड कोर्स और वो चल गया तो फिर कोर्सेज की लाइन आप लगा देंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, जब आपको पता चलेगा कि एक कोर्स जो है वो महीने के $400 लेकर आ रहा है और मैं यहाँ पूरे महीने काम करके भी 400 नहीं कमा रहा, और वो एक कोर्स लेकर आ रहा है, तो आप बोलेंगे यार इस महीने मैंने एक और बनाना है और अगले महीने 2 और बनाने हैं, और एक साल के अंदर आपके 10 कोर्सेज हो जाएंगे, और तो 10 कोर्सेज होंगे तो $400 जो है वो $4,000 में तब्दील हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम यूडीमी एक दरवाजा है एंटर होने का, फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें आप घूमते जाओ अंदर खत्म नहीं होगा, और प्लेटफॉर्म जो यूडीमी के मुकाबले में है, जब आपका कोर्स यूडीमी पे एक बार कामयाब हो गया ना बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अभी अगर ये बात आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जो मेरी अर्निंग है यूडीमी से ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म से है, आप क्या बोलेंगे? और उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया जब मेरा कोर्स यूडीमी पे चला, उन्होंने बोला यार आपका कोर्स यहाँ पे चला बड़ा पसंद आया, तो आसान है, और जब हम पहली स्टेप ही इतना बड़ा दीवार खड़ी कर देंगे लोग अंदर ही नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप UDP पे जा रहे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जा ही नहीं सकते जब तक आप UDP पे वो ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल ये है, इस पूरी ये जो ई लर्निंग की इंडस्ट्री है इसके अंदर ये पोटेंशियल है
कि आप और भी कंटेंट करेंगे और आपको खुद भी पता चलता जाएगा आपका सेम कंटेंट, एक बार आपने मेहनत की, एक कोर्स आपने बना दिया, और अगर 10 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आपको आपका कोर्स पड़ा हुआ है और 10 मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको उसकी इनकम आ रही है, तो उसमें क्या बुराई है? मेहनत आपने एक बार की है। दूसरा, जो आप अपना भी स्कूल बना सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्कूल teachable.com आपने भी teachable से तो ऊपर कोई मॉडल ही नहीं है। अपना स्कूल बनाओ, अपना डोमेन नेम जो आपने नाम सेलेक्ट किया होगा ब्रांडेड, कोई कोडिंग भी नहीं जाना है, सब कुछ खुद क्लिक्स पे होगा। वो बंदा जिसने टीचेबल बनाया है, जो कि एक्चुअली fedora.com था, लेकिन उसने नाम चेंज कर दिया अभी रिसेंटली, वो भी यूएसए के अंदर है, इंडियन लड़का भी यूएसए में रहता है। उसने जब ये प्लेटफॉर्म बनाया, वो खुद यूडीमी के अंदर टीचर था, तो वो कह रहा था कि यार मैं यूडीमी के अंदर टीचर था, मैं बिल्कुल शुरू स्टार्टिंग वाला टीचर था जब ये प्लेटफॉर्म मौजूद में आया, लेकिन मैं पैसे भी इसमें से ही कमा रहा था, $3,000-4,000 मेरे लिए सहते मेरे बिल्कुल मामूली सी बात होती थी, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउट था यूडीमी के ऊपर कि यार ये लोग ठीक है हमें पैसे भी दे रहे, सारा कुछ दे रहे, लेकिन जो मेन हमारा असल जो हमारी जायदाद है, जो एसेट है, वो उसका एक्सेस हमें नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल क्या, स्टूडेंट्स के डेटा का एक्सेस नहीं देते यूडीमी, जैसे उसके ईमेल, मोबाइल नंबर, ये वो सारा है, मतलब जो डेटा वैसे एक्सेसिबल होना चाहिए, बोलते वो नहीं दे रहे, तो बोल रहे कि कल को अगर यूडीमी ने हमें किक आउट कर दिया किसी भी टाइम, बोला कि यार आपका कोर्स नहीं चाहिए हटाओ, तो हम बिल्कुल उस पर आ जाएंगे ना, मतलब इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, तो उस लड़के को ये प्रॉब्लम नजर आई, उसने ये प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर 3 लाख से ऊपर वर्ल्ड वाइड स्कूल्स रजिस्टर हो चुके हैं, इसमें एक मेरा भी स्कूल है, यानी मैं सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शनल नहीं किया उसको ना, उस पे ये कि सिंपली आपको मंथली उनको पैसे देने हैं, जो बेसिक पैकेज है फ्री भी है, फ्री में ये कि आप अपना डोमेन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जो आपका ब्रांडेड डोमेन होते हैं ना www.example.com, वो आप उसके अंदर जो है इंटीग्रेट नहीं कर सकते फ्री वाले पैकेज में, वो आपको फ्री सब डोमेन के साथ जो है वो पेयर करना पड़ेगा। अगर आप फिर $29 का बेसिक पैकेज देते हैं, $29 का पर मंथ, उसमें आप अपना ब्लॉग